अरे मस्त बहुत मस्त यार क्यूट है यार अरे आज मौसम काफ़ी ख़राब है और ये देखिए तीसरा चौथा दिन है और मैं अपना घर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है और मैं खेत में जा रहा था थोड़ा देखते हैं क्या क्या सब्जी हो रखी और आपको भी दिखाते हैं। दिस इज देव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। चलते हैं खेतों में दिखाते हैं क्या क्या हो रखा है। ये जो सरसों की खेती हो रही है हमारी ये अच्छे लगते हैं ये फूल और कई पूजा पाठ में भी काम आते हैं। और दूसरे ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी सरसों लग रखी है। ये देखिए सरसों के बीज और ये हमारा अमरूद का पेड़ ये दूसरा कलर का हो गया आजकल। देखिए चाचा जी प्रणाम उठ गए मिंद ठीक हो। ये देखिए ये धनिया ये पालक है और ये हमारे मैडम यहाँ पे सब्जी निकालती है। ओ हाँ ये पत्ते निकाल देना ये अंदर से ये पत्ते ना बढ़िया हो रहा टेस्टी हो रहा बहुत। तो कल रात को भी हमने इसकी सब्जी खाई थी और ये देखिए हमारे मटर काफ़ी अच्छी मात्रा में। असिस्टेंट डायरेक्टर है वो तो। ये देखिए काफी मटर लग रहे हैं। हाँ ये ये हमारे मटर है। देखिए मूली हाँ नेचुरल ले जाएंगे नेचुरल खाएंगे। चलो दादा जी कह रहे हैं जो ये कलियां है ना ये निकालो ये ठीक रहती साथ के लिए। मेरे को तो पता नहीं लेकिन मैं तोड़ देता हूँ। देखिए ये पत्ती हो गई ये देखो धनिया तो ये सारे मेरे भाई की मेहनत है। भाई ने बहुत मेहनत की थी यहाँ पे ये जाली वगैरह लगाए थे हालांकि ये निकल गई। अभी इसको ठीक करेंगे जब ये सब्जियाँ निकाल देंगे बस। तो जो ये फूल है ये मटरों के फूल हैं काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। वीडियो मैं जब निकाल रहा हूँ आजकल मैं मॉर्निंग वॉक पे भी जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा असर दिख रहा होगा आपको फिट होने के तो दिखाएंगे दिखाते रहेंगे आपको। चलें है जहाँ से हमने मूली निकाली थी अब हम इसको ढक देंगे बस। चलो थोड़ा मैं पड़ोसी के घर जा रहा हूँ उनकी तबीयत ख़राब है वहाँ जाता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ओरिजिनल फूड तैयार हो रहा है। ये अनाज है जिसको कूट के चावल अलग करने हैं उसके छिलके अलग करने हैं उसके बाद खाने के लिए रेडी हो जाए। तो अभी नाश्ता वगैरह हो गया बजरी भरने जा रहा हूँ। बजरी भरते हैं पहले सब दिखाते हैं हाँ? रेस्ट नींद मैं नाश्ता कर लिया ना तब वो नाश्ता कर रहे हैं। तो गाइस देख रहे होंगे आप आज मैं खच्चर में हूँ और
प्रधान में पार्ट टाइम हूँ, लेकिन खतरों का काम मुझे करना पड़ता। चल बस, पैदल भी जाना चाहिए कभी कभी, बस ऐसी सुबह सुबह काम पे था ना, खजर खुचर ले गए थे बजरी बजरी है। ये देखो हिमालय क्या मस्त दिख रहा है यहाँ से, नहीं है? इसके लिए लोग पैसा खर्च करते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? बांद्रा हटाने से तो यहाँ से पैदल एकदम उतरा है। ये छूट गए अपनी रोड, मुझे लगता है कि इस तरीके से वीडियो बनाने हैं, इस तरीके के जो मैं वीडियो बनाता हूं, मैं इसमें कोई भी झूठ या कोई भी फालतू की बात नहीं बताता हूं, तो हमारी वीडियो वायरल होना शायद मुश्किल है मुझे लगता है, और हमें बहुत सारे व्यूज़ मिलना मुश्किल है, क्योंकि थंबनेल पे भी सही चीज़ दिखाते हैं और टाइटल में भी सही चीज़ दिखाते हैं, तो लगता तो नहीं है, लेकिन भगवान के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। तो जिन यूट्यूबरों के व्यूज़ बहुत कम आते हैं, उनको कहना चाहूँगा कि उनके साथ मैं खुद भी हूँ, ऐसा मत सोचने कि मैं खुद के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो देर होती है लेकिन अंधेर नहीं, आएगा एक दिन, ज़रूर आएगा। इस तरीके से मतलब आप इंफॉर्मेशन देते रहो, हर एक चीज़ की वीडियो बनाते रहो, एक दिन ऊपर वाला सुनी लेगा तुम्हारी। फिर एक बार पुश मिल गया, उसके बाद अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहो, आपके साथ वो लोग जुड़ेंगे जो आप ही की तरह होंगे, मतलब जो आपकी तरह वीडियो देखना चाहते हैं, जो आपकी बातों से इम्प्रेस हो। तो जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे, तो वो जो लोग जुड़ेंगे आपके साथ वो भी जेन्युइन होंगे आप ही की तरह, तो आप कोई भी वीडियो डालेंगे तो वो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उनकी और आपकी जो थिंक है वो सेम होती है, क्योंकि हम लोग भी सब्सक्राइब उसी को करते हैं जिससे हमें कुछ मिलता है नॉलेज लेने के लिए। तो ये देखिए जंगलों के बीच, तो अभी कोडार पहुंच गया, पसीना देखो नीचे आने के लिए भी पसीना हो रहा है, हल्की हल्की सी गर्म हो रहा है, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का। तो कोडार दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये नर्सरी है हमारे गांव वालों की, और काफ़ी अच्छे पेड़ होते थे यहाँ पे, लेकिन अब थोड़ा सा इसकी केयर नहीं हो पा रही साइड से। और ये अपना मन्ना भाई, नहीं काम धाम में लगा हुआ हाँ जी, अभी तो फिलहाल भी